बिहार में वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में उनके घर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस आतंक राज को ही मंगल राज कहते हैं। आइए देखें वीडियो। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया, और दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है, और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरे परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करें। और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर डेढ़ महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है, हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई है उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है, और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं, उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है। और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा।